द सिचुएशन इज के आप स्टोरी को कितना बड़ा समझते हैं, कि स्टोरी में डिटेल्स कितनी जाती हैं. अब मेरा तरीका स्टोरी को बयान करने का ऐसा है, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्न, कि स्टोरी जो है वो इट्स अ मशीन. मैं जिस तरह इसको जितना सिंपल रख सकता हूँ मैं इसको रखूँगा. स्टोरी इज लाइक अ मशीन एंड देर आर अ लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स. छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो एक के साथ एक सिंक्रनाइजेशन में चल रहे हैं, और एक पार्ट भी अगर कहीं खराब होता है पूरी मशीन बंद हो जाती है, उड़ जाती है. अब वो स्पेयर पार्ट्स क्या है उस मशीन में, विच इज कॉल्ड अ स्टोरी. देर आर एक्टर्स, आपके मेन कैरेक्टर्स, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, आपका एक्ट वन, एक्ट टू, एक्ट थ्री, बेसिकली आपकी स्टोरी मूव कैसे कर रही है इन दीज थ्री फेजेस. आपका जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड स्कोरिंग है, वो क्या फिल्म को, टोन को मैच करती है, आपकी लोकेशन टोन को मैच करती हैं, आपकी ओवरऑल डायलॉग राइटिंग क्या वो चीज़ कन्वे कर रही है जो आपकी स्टोरी और आपके कैरेक्टर्स को कन्वे करनी है, क्या आपकी प्लानिंग, आपकी प्रोडक्शन डिज़ाइन, आपका क्या कहते हैं एक्स्ट्रास की मैनेजमेंट भी इसमें आ जाती है, बहुत कुछ. यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेयर पार्ट्स. और बट इफ यू गो टू द इंजन, अब मैं इंजन में जा रहा हूं, पूरी मशीन के स्पेयर पार्ट्स की तो बात होगी. द इंजन इज द स्टोरी, द स्क्रीन प्ले इटसेल्फ, योर कॉन्सेप्ट, योर आइडिया इज द कोर. आइडिया क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आइडियाज हम फिल्म मेकिंग में हम इजहार करते हैं एज लॉग लाइन्स फर्स्ट. इट्स ऑल स्टार्ट्स विद लॉग लाइन्स. लॉग लाइन्स क्या है? लॉग लाइन्स आर बेसिकली वन लाइनर्स जो फिल्म के कोर को, फिल्म के आइडिया को बयान कर देते हैं द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ वे पॉसिबल, कि कोई एकदम से समझ ले और इंटरेस्टेड हो जाए कि यार हाँ कुछ है इसमें. और लॉग लाइन से वी स्टार्ट विद अ स्टोरी, और हम अपने आप को भी बहुत दफा लॉग लाइन सुनाते हैं कि यार इस लॉग लाइन में दम है कि नहीं है, इस लॉग लाइन में मुझे कुछ स्टोरी ऐसी नजर आ रही है जिसपे आई वॉन्ट टू मेक इट इन टू अ स्क्रीन प्ले, आई वॉन्ट टू डेवेलप इट फर्दर. तो जो इंजन है आपका, पूरी फिल्म जो आपका पूरा स्टोरी सारा कुछ सब इर्द गिर्द चल रहा है, आपका जो इंजन है, आपका जो आइडिया है, देर आर मेनी वेज ऑफ डेवलपिंग दिस आइडिया. अब जो तरीके मैं यूज करता हूँ वो बेसिकली वो तरीके हैं कि मैं अगर एक बार वॉक के लिए भी चला जाऊँ ना, जैसे F9 पार्क है, बहुत जगह है यार वॉक करने के लिए, मैं ऑब्जर्व चीजें करना शुरू कर देता हूँ, मैं लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स को देखना शुरू कर देता हूँ जस्ट फ्रॉम लुकिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस. मैं जाके उन्हें नहीं कहता जी आप कैसे हैं, आपका रिलेशनशिप कैसा है, जी आप कौन है, आप इसके क्या लगते हैं, क्या ये. आई डोंट हैव टू डू दैट. व्हाट आई डू इज आई जस्ट, मैं दूर से बैठा हुआ सिर्फ देख रहा होता हूँ कि और अज्यूम कर रहा होता हूँ कि इनकी रिलेशनशिप में अभी ये हो क्या रहा है. और मुझे ऐसे बड़े सीन नजर आए हुए हैं F9 में, मुझे कुछ ऐसे भी सीन नजर आए हैं कि एक मियाँ बीवी इतना ऊंचे तरीके से लड़ रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है एक तो वो मियाँ बीवी हैं और एक तो उनकी लड़ाई हो रही है, और कोई ऐसी लड़ाई है जो वो घर से लेके बाहर लाए हैं और वो अब घर में वापस लेकर जाएंगे. तो दिस इज ऑब्जर्वेशन. मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये चीजें जो हर कोई देखता है, लेकिन हर कोई सिर्फ देखता है, समझना नहीं चाहता कि उसके पीछे हो क्या रहा है. और ये फिल्म मेकर्स जो हैं, यहाँ पे स्टोरी डेवलपमेंट आती है कि आप ऑब्जर्व करें और आप देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा बैठा हुआ है आइसक्रीम खा रहा है, एंड देन ऑल ऑफ सडन उसका फादर आके उसको अब्रप्टली जैसे उठा के लेकर जाता है. वही सीन मैंने देखा, मैंने ये देखा हुआ है, बट मैं उस सीन से क्या एनालाइज करूंगा कि यार अच्छा दिस कुड बी अ स्टोरी अबाउट अ किड who wants to grow up doing what they love, and maybe the parent ऐसा है कि वो बच्चे को लीड करने वाला है into what he wants. और बच्चे It's की all about ख्वाहिश, observation, it's really. all about observation. यानी ये एक सीन से मुझे ये स्टोरी दिमाग में आई कि इट्स अबाउट अ किड हु वॉन्ट्स टू डू वॉट दे वॉन्ट टू डू एंड डू इट फ्रीली, एंड द पेरेंट डज नॉट वॉन्ट टू लेट दैट हैपन. द पेरेंट वॉन्ट्स टू Have the kid be dictated the way he wants. जिस तरह पेरेंट चाहता है वो अपनी जिंदगी गुजारे उसी तरह वो गुजारे. और ये ऑल ऑफ सडन एक ऐसी स्टोरी बन गई जो हम सारे रिलेट करते हैं,
हम हर तीसरा बंदा इस बात से रिलेट करता है, हर तीसरा बंदा. तो बात ये आ जाती है आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी डीप जाती है. और ये मैं अगर एक सच और में ही उसकी बात ऑब्जर्वेशन अच्छी है, वो एक अच्छा हाँ राइटर बन सकता है। हाँ जिसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है वो एक अच्छा, जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं आप स्क्रीन प्ले अच्छा लिखना जानता हो, क्योंकि स्क्रीन प्ले इज अ टेक्निकल वे ऑफ डूइंग इट. स्क्रीन प्ले बाद में आता है, स्टोरी सोचने वाला पहला आपका जो वो प्रोसेस है, अगर वो अच्छा है स्क्रीन प्ले आप सीख लोगे. ठीक है, यू डोंट नीड टू बी अ गुड स्क्रीन प्ले राइटर टू बी अ गुड स्टोरी राइटर. तो मतलब ये दो ऑब्जर्वेशन चीजें अलग है। आप ये कहते हैं कि हाँ स्टोरी स्टोरी राइटर अलग अलग है, स्क्रीन प्ले राइटर अलग है। स्क्रीन प्ले अलग राइटर है. को सिर्फ टेक्निकल बातें पता होनी चाहिए, दैट्स मीन वो एक से। लेकिन अगर स्टोरी राइटर वो होगा जिसके ऑब्जर्वेशन सही, अच्छी सही पॉइंट पे, कि वो जैसे अभी आपने कहा कि और एक बहुत बच्चे दफा को ऐसे होता है, बहुत दफा ऐसे होता है कि स्टोरी राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर, अगर आप हॉलीवुड मूवीज में जरा जरा क्रेडिट्स पे गौर करें, स्टोरी राइटर फर्क होता है, स्क्रीन प्ले राइटर फर्क होता है. या अगर किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया हुआ तो अब करें तो आप पकड़ लेंगे कि क्रेडिट्स में भी हॉलीवुड में भी इस चीज को सेपरेट ही माना जाता है और उसको सेपरेटली इसके क्रेडिट होते हैं. बहुत दफा होता है कि स्टोरी राइटर अगर स्क्रीन प्ले राइटर भी हो तो उसका लिख देते हैं स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले बाय. सही तो है।